और हमारे साथ आप देख रहे होंगे इस वेशभूषा में पूरा शिव का रूप ये लोग लिए खड़े हैं। अभी शिव तांडव भी करेंगे और बारात निकलेगी। क्या नाम है? मेरा नाम अमित साहू है, मैं इलाहाबाद की धरती से हूँ और मैं इस पावन धरती पर सादियाबाद की धरती पर गाजीपुर ज़िले में आया हुआ हूँ। यहाँ पे मेरे बड़े भाई प्रेम मित्र सादियाबाद से हैं और उनका नाम बबलू है, बबलू पटवा जी, उन्होंने हमें यहाँ पे आमंत्रित किया है और हर साल ही वो हर साल ही हमें आमंत्रित करते हैं और मैं यहाँ पे आता हूँ। पूरा शिव का गेटअप, आप भगवान भोलेनाथ का एकदम गेटअप में आ गए हैं, तो ये ऐसे ही इसमें गेटअप में आके कैसा लग रहा है? बहुत ही अच्छा लगता है और मैं स्थायी मतलब एक प्रोफेशनल एक कलाकार भी हूँ, आज कोई पहली बार नहीं, और मैं हर साल ही मतलब करता यहाँ आता भी हूँ। और मैं इस बहुत छोटा था जब 10-12 साल से, तब से मैं जागरण का काम करता हूँ, मैं शिव बनता शंकर जी का पाठ करता हूँ और तब से शिव तांडव ही करता हूँ। शिव भक्त हैं? शिव भक्त तो हूँ। मतलब ये ही हर जगह इसी रूप में रहते हैं कि और भी कुछ कर? हर जगह नहीं, हर जगह तो जागरण होता है, जागरण में सिर्फ हमें शंकर जी के लिए ही बुलाया जाता है और हम शंकर जी ही करते हैं जी। आपका नाम? संदीप गुप्ता नाम है। मैं आप कहाँ के रहने? मैं यही का लोकल हूँ, सादियाबाद गाजीपुर का। क्या करते हैं आप? मैं परिवहन विभाग जॉब करता हूँ। परिवहन विभाग में हूँ। अच्छा, मतलब आप नौकरी करते हैं? जी जी, गवर्नमेंट जॉब करता हूँ। यहीं पे आते हैं तो यहीं पे गेटअप करते हैं कि और भी कहीं जाते हैं? नहीं, बस यहीं पे, हमारा गांव भाई बचपन से करते, बचपन 10-15 साल में बनता हूँ। मेरे यहाँ कमेटी के लोग बनाते हैं, अमीगो हैं, पहले मेरा मिला काम करता था, नवरात्रि मोती में उसमें करता था, हमें देखे अच्छा लगा, बोले कि तुम शिवरात्रि में तुम्ही को बनना है, तब से मैं बनते आ रहा हूँ। हर साल मैं शिवरात्रि छुट्टी लेके आता हूँ। देखिए, ये छुट्टी लेके आते हैं, ये सरकारी नौकरी करते हैं लेकिन छुट्टी लेके महाशिवरात्रि के दिन आते हैं और यहाँ पर गेटअप करते हैं और यहीं से बारात निकल के जाती है, बारात निकलती है ना यहाँ से? जी जी, यहाँ पे शिवरात्रि का महापर्व होता है और बहुत ही भीड़ होती है, हजारों क्या 2-4-10 हज़ार की तादाद में भीड़ रहती है, शंकर जी की बारात निकलती है। यहाँ पे हाथी घोड़े ऊँट और कई प्रकार की, जैसे भगवान के बारात में जाते हैं वैसे ही हर चीज़ यहाँ से निकलती है। कहा जाता है कि भगवान भोलेनाथ के बारात में भूत पिशाच बहुत लोग गए थे, बहुत ही लोग, सांप बिच्छू गुर्जर हर तरह के लोग गए थे, 36 करोड़ देवी देवता वो भी गए थे। अब स्वयं साक्षात भोलेनाथ की बारात में और कौन नहीं जाएगा, आज उसी का एक रूप जो है यहाँ पर देखने को। ये तो बाबा भोलेनाथ की कृपा है जो हम उस रूप को धारण करते हैं, नहीं हमारी क्या औकात कि हम उनके रूप को रख सकें। अच्छा, ये सारा कुछ आप धारण करते हैं, ये कंकाल वगैरह, तो कहीं डर और नहीं इस इसके लिए डरने का? कि ये सब आर्टिफिशियल चीज़ है, इसे तो पहनना ही रहता है। अब फिर भी आप लोगों को देखकर जो बच्चे हैं वो तो छोटे छोटे बच्चों को डर लग जाता है कि ये कैसे है, क्या लग रहा है, जब कोई विचित्र प्राणी को किसी को दिख जाता है, अभी हम ही हैं किसी चीज़ को देख लें या कोई बहुत बड़ा जानवर देख लें उससे हम ही को डर लग जाएगा। तो वैसे ही हम लोग जब अद्भुत भेष बनाते हैं तो छोटे छोटे बच्चे भी डर जाते हैं कभी कभी। जैसे आप शिव तांडव भी करते हैं? जी जी, शिव तांडव करते हैं और शिव तांडव जैसे कि आजकल गाने बनते हैं उस एल्बम पर, उसी पे सॉन्ग्स पर डांस करते हैं। गेटअप में परेशानी नहीं होती? परेशानी तो होती है ना, जब पहन लेते तो भारी भारी सा लगता है और डांस करने के बाद गर्मी लगती है, उलझन होती है और क्या, बस छोटा ये छोटे मोटे प्रॉब्लम है इतना तो। लेकिन भगवान भोले शंकर के आगे सब ये कष्ट जो है, बाबा की महिमा में जब डूब जाते तो ये सब भी छोटी प्रॉब्लम बन जाती है। हमारे साथ ये दो जो शिव का गेटअप में हैं और ये शिव तांडव भी करेंगे, तो इनकी वीडियो हम डालेंगे वो शिव तांडव वाली। तो चलिए, हमारे साथ दो शिव भक्त थे जो उसी गेटअप में हैं और यहीं से बारात निकलेगी, सारा कुछ दिखाने का हम प्रयास करेंगे। तो बस इस वीडियो में इतना ही, अगली वीडियो के साथ हम जल्द उपस्थित होंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।